साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव में करारी हार का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने अपनी हार पर समीक्षा भी की है और इसी समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में 19 सीटों पर फोकस करेगी। दरअसल ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस दूसरे स्थान या फिर फाइट में रही थी। तो 19 सीटों पर अब जो कांग्रेस है वो ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे पूरे प्रदेश ने देखे थे कि कांग्रेस को किस तरीके से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन वही कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली है, तो उसने यूपी के सभी कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के अब कार्यकर्ता है वो भी चुनावी मैदान में जोरों शोरों से उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस है उसका ज्यादा फोकस उन 19 सीटों पर है जिस पर या तो वो कॉम्पिटिशन में रही थी या तो फिर दूसरे नंबर पर रही थी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और ये सभी बैठकें प्रदेश अध्यक्ष बजराल खाबरी के नेतृत्व में की जा रही है। तो वहीं इस बैठक के दौरान जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी एक रणनीति तैयार की गई है और साफ तौर पर यह बताया गया कि 19 सीटों पर जो कांग्रेस है वो ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि 19 सीटें वही हैं जहां पर कांग्रेस ने बीते चुनावों में या तो दूसरे नंबर पर रही थी या तो फिर वो लगातार कॉम्पिटिशन में बरकरार थी। तो प्रदेश की कुल 19 सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का फोकस बाकी सीटों के मद्देनजर थोड़ा ज्यादा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन ऐसे में 19 सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का फोकस थोड़ा ज्यादा है, वो 19 सीटें कौन सी है विभांशु? मुस्कान, अगर बात की जाए तो प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर कल हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, जिसको लेकर पार्टी के अंदर में उत्तर प्रदेश के 75 जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्ष और साथ ही साथ तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और आगामी चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। अगर बात करें तो इसमें साफ तौर से प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक फोकस बनाने का अपना लक्ष्य रखा है। अगर बात करें सीटों की तो 19 सीट जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं रनरअप रही है या स्थिति कांग्रेस पार्टी की बेहतर रही है, जहां से बेहतर जनादेश मिला है, ऐसी सीटें 19 सीटें हैं प्रदेश के अंदर में जिसको चिन्हित किया गया है। बात करें तो अमेठी और साथ ही साथ कुशीनगर, हमीरपुर, कानपुर देहात समेत ऐसे 19 सीट हैं। और बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे जनाधार रहा है, तो इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फोकस करेगी। ठीक है विभांशु, ये तो रही 19 सीटों की बात जिस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन पूरे यूपी के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, ऐसे में कोई भी पार्टी यूपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में या प्रधानमंत्री चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है। 80 सीटों वाला ये प्रदेश है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कहा जाता है कि सत्ता की चाबी, अहम चाबी यहीं से होकर गुजरती है। और इस मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी में है और आने वाले दिनों में अगर गठबंधन बनता है तो जो जिस गठबंधन साथी होंगे, जो घटक दल होंगे, उनके साथ कहीं ना कहीं सीटों की साझेदारी होगी। इसमें साफ तौर से जो 19 सीट है प्रदेश की जिस पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है, और देखने वाली बात यह होगी कि अब चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है और कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं प्रदेश के अंदर में, वो उनकी एकजुटता के एक संकेत भी कर्नाटक के कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा था मुस्कान। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट रहेगी कि कितने सीटों को लेकर चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी। जी बिल्कुल विभांशु, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर एक बार कंपेयर करें तो कांग्रेस को अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी यूपी में फिलहाल कॉम्पिटिशन में नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में नगरीय निकाय चुनाव हुए जिसमें लगभग 5% वोट मिले
वहीं अगर बात की जाए तो विधान परिषद में कांग्रेस की स्थिति शून्य है। वहीं अगर प्रदेश के विधानसभा में बात करें तो महज 2 विधायक है, उत्तर प्रदेश में अभी कोई कांग्रेस का सांसद नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस बार के लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश से करना। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर सभी जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस को एक अलग पैतरे के तहत लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना होगा, जिससे निश्चित तौर से वो सफलता पा सकेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां 30वें मोर्चे की अगुवाई करने वाली ममता बनर्जी पहले ही इस बात को कह चुकी हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती है तो वो कांग्रेस के साथ रहेगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी, चाहे बात की जाए बहुजन समाज पार्टी, चाहे बात की जाए सुहलदेव समाज पार्टी, चाहे बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी दलों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने तरफ करना होगा, जिससे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित कर सके। बिल्कुल विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस उनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है तो वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर ऐसे में अगर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार देती है तो जो विपक्षी एकता है वो किस तरीके से बरकरार रखना चुनौती होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान, तो अभी इन सब मुद्दों को लेकर विपक्षी दल महज मीटिंग का दौर कर रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर और संबंध स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी, जिसमें महज RLD एक ऐसी पार्टी थी जिसके नेता भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक के अंदर में अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से कोई नहीं गया था इस शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या अखिलेश यादव को कैसे समाजवादी पार्टी अपने साथ लेगी वो आने वाला समय बताएगा। मगर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों को एक करके और लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसमें एक मजबूती से लड़े, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं वो माना जा रहा है कि एक छाते के नीचे आकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मगर अभी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ क्षेत्रीय दलों की बातचीत का जो शुरुआती सिलसिला है वो अभी जारी है, और आने वाले समय में कांग्रेस के साथ कौन क्षेत्रीय दल रहेगा वो कहीं ना कहीं इन तमाम प्रयासों के बाद साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद भांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, तो लगातार जो कांग्रेस है वो यूपी में जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में मेरी करारी हार के बाद अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपनी जो चुनावी जमीन है उसको तलाश करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अपनी तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि बीजेपी को केंद्र में 9 साल पूरे होने वाले हैं। इसी उपलब्धि को क्रम में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी में 1 से लेकर 20 जून तक प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर रैली निकालेंगे। इस रैली में PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा समेत कई मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव के को लेकर अब जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के साथ ही अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है, जहां कांग्रेस का 19 सीटों पर ज्यादा फोकस है, तो वही अब जो भाजपा है वो पूरे यूपी में लगातार 1 से लेकर 20 जून तक सभी लोकसभा सीटों पर रैली करती हुई नजर आएगी। तो इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर तक बैठकों का दौर जारी है, तो वही 1 से लेकर के 20 जून तक यूपी के सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी और नेता रैली निकालेंगे। जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर रैली निकालना जरूरी है, बैठकर जरूरी है, संपर्क अभियान जरूरी है, जनता संवाद जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें तो आम चुनाव में 24 में यानी केवल 1 साल से कम का समय बचा है, यहाँ पर व्यवस्था बनानी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हार के जो घटनाक्रम रहा है, हार के परिणाम रहे हैं, बीजेपी के लिए सुखद नहीं रहे हैं, और इसी परिणाम को देखते हुए बीजेपी अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते ही सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी का रास्ता तय होता है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेहतर करने की कवायद में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, रैलियाँ होंगी, 120 रैलियाँ रहेंगी, और 80 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, उस महासभा में रैली की जाएंगी, और रैली के माध्यम से जनता का अभियान रहेगा, संवाद होगा, और अपनी बात, अपनी नीति
जो हमने बेहतर काम किया पिछले 9 साल में उसको जनता भी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर काम करते हैं और काम अगर पहुंचता नहीं तो ये भी नुकसान दे। इसलिए जनता के बीच अपने 9 साल का कार्यकाल बचाने के लिए बीजेपी यहाँ पर एक नई तरह की व्यवस्था लेके आ रही है। और पहले सम्मेलन भी किए जाते रहे, अभियान भी चलाए गए, पर एक बार रैली होगी और 20 दिन में यहाँ पर मुस्कान 80 लोकसभा क्षेत्र में रैली निकाली जाएंगी। बिल्कुल गौरव, अगर एक बार हम कर्नाटक चुनाव का रुख करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार जनसंपर्क करते हुए, रैलियां करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो नतीजे है वो बिल्कुल विपरीत निकल के सामने आए। तो अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तमाम दिग्गज नेता भाजपा के रैली करते दिखाई देंगे, तो क्या लगता है कि जो जनता है वो उसको अपने पक्ष में लाने का ये कितना बेहतर प्रयास होगा बीजेपी का? देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात है हमारा चुनाव हो और लोकतांत्रिक जैसे चुनाव होते, कई पंचायत चुनाव होता है, प्रधानिक चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव होता है। क्यों यहाँ पर किसी चुनाव के नतीजे किसी चुनाव पर प्रभाव नहीं डालते हैं। हाँ, लहर जरूर डेवलप होती है। कर्नाटक में तमाम बड़े नेता वहाँ पर गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन के गए थे, स्टार प्रचारक रूप में वहाँ पर गए थे और जनसभाएं वहाँ पर की है। क्योंकि वहाँ पर अगर कर्नाटक की जनता की मूड की बात करें तो शायद पहले ही उनका मूड बदल चुका था, वो जा रहे थे कि हाँ इस बार बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोट दिया जाएगा और वहाँ पर दिया गया। पर यहाँ पर जिस तरह से रैली की गई थी उसके माध्यम से बीजेपी का जितना डैमेज कंट्रोल होना था उतना ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर 60-70 सीटें लाकर कुछ मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर मिली है वहाँ पर, और निश्चित रूप से कभी कभी हार भी नए सबक देती है मुस्कान, और हार से भी सीख लेनी चाहिए। कहीं गलतियाँ हुई हैं, कहीं बार आपने गलत किया है तो कहीं ना कहीं अगर आपने अगर बेहतर किया तो आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ठीक है गौरव, जाहिर सी बात है हार से कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने सीख ली होगी, लेकिन अगर हम निकाय चुनाव के नतीजों पर असर डालें तो वहां साफ तौर पर यह देखने को मिला कि जो भगवा का जादू है वो देखने को मिला, यानी भगवा मैजिक दिखा। तो जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर यूपी की बात करें तो जिस तरीके से भाजपा किला फतेह करती हुई नजर आ रही है, तो लोकसभा चुनाव में ये मोदी मैजिक चलता हुआ दिखेगा यूपी में? अब देखिए, मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, पर चूंकि निकाय चुनाव हो चुके हैं, बेहतर परिणाम यहाँ पर मिले, पर वो परिणामों की उम्मीद भाजपा द्वारा कही जा रही थी वो यहाँ पर नहीं मिला है। मुस्कान, तमाम बड़े मंत्री रहे बीजेपी मंत्रिमंडल में, चाहे केंद्र की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वो मंत्री अपने क्षेत्रों में सीट नहीं जीता पाए, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों पर तमाम प्रश्न चिन्ह उठता है। उत्तर प्रदेश तमाम मंत्री है, अगर नंदगोपाल नंदी की बात करें, मोहल्लागंज सांसद कौशल किशोर की बात करें, बघेल की बात करें, या आपका लक्ष्मीनारायण चौधरी गन्ना विकास मंत्री की बात करें, शिव प्रताप शाही की बात करें, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्रों में चुनाव नहीं जीता पाए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर ठीक है, मैजिक अलग बात है, अगर आपने व्यवस्थाएं बढ़िया की है, काम बेहतर किया है, आपका लोग जान आपको समझ रहे हैं, तो निकाय चुनाव में आपको बेहतर परिणाम मिलने चाहिए। पर कहीं ना कहीं 17 मेयर सीट आप जीत कर आए हैं, पर तमाम सीटें ऐसी जहाँ पर आपके मंत्री प्रभारी रहे हैं, आपके मंत्रियों की सीट है, आपके मंत्रियों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, नगर पालिका में हार हुई है, नगर पंचायत में हार हुई है, कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि आप किसी भुलावे में मत रहे। अगर आप बेहतर काम करेंगे, रणनीति बेहतर करेंगे, तभी परिणाम आपको बेहतर रहेंगे। केवल मैजिक के सहारे, व्यवस्थाओं के सहारे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, जहाँ बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, तो यहाँ पर पूरा विपक्ष भी लामबंद हो चुका है मुस्कान। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब भाजपा ने भी कमर कस ली है और लगातार अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों द्वारा लगातार की जा रही है, क्योंकि आगामी 1 जून से लेकर 20 जून तक भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां यूपी में देखने को मिलेंगी। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान अभी तक धरने पर अड़े हुए हैं। धरना दे रहे खिलाड़ी इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे और कैंडल मार्च में आम लोगों से शामिल होने की भी अपील करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, जो पहलवानों का धरना लगातार देखने को मिला था वो आज 1 महीना हो चुका है, और ऐसे में पहलवानों ने ये भी कहा था कि अगर उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो अब आज 1 महीने का समय पूरा हो चुका है, किस तरीके से जो हमारे पदक वीर है वो प्रदर्शन अब करते हुए दिखाई देंगे? जी
मुस्कान आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं बीच में जब उनका साफ तौर कहना था कि वो जब शुरू से आए थे तभी से उनका आरोप था कि जो WFI के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी सांसद, उनको आरोप लगाया था यौन शोषण के, जो एक नाबालिग और 7 महिला पहलवानों पर जो यौन शोषण का आरोप लगाया गया था और उसी के रूप में उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और कहा कि इनको अपने पद से इस्तीफा दें और वो साफ तौर पर जाके और इनको गिरफ्तारी करें। लेकिन इस मामले में जो केंद्र सरकार है या यूँ कहें कि दिल्ली पुलिस जब FIR दर्ज कराए तो इस पर जल्दबाजी नहीं हो रहा, ना इस पर कोई भी फैसला आया, तो इसके लेकर जब बीच में मामला शांत हो गया लेकिन फिर अभी से जो मार्च से लेकर अभी तक जो पहलवान है फिर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी से मार्च लेकर अभी तक वो एक महीना तक हो गया है। और आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन ये बढ़ता ही जा रहा है, जब से देखिए कि चाहे विनेश फोगाट हुआ या बजरंग पुनिया हुए या साक्षी मलिक, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। वो तमाम ऐसे उन्होंने बात करने की भी कोशिश की और आपको बता दें इसमें तमाम विपक्ष दलों के जो नेता हैं या किसान संगठन के उन्होंने भी उसको सहायता दे रहे हैं और उनके जो धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी फैसला निकल के नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुहानी जिस तरीके से जो पतंगवीर है वो सड़क पर बैठे हुए हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर कहीं ना कहीं एक भारत की जो छवि है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो जो पहलवान है उन्हें कहीं ना कहीं हमारी न्याय के साथ जो कानून की व्यवस्था उस पर भरोसा रखना चाहिए था। जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो पहलवान है कहीं ना कहीं हमारे देश को गौरवान्वित किए हैं और ये जो समय जा रहा है, आप समझ सकती हैं कि ये 5-6 महीना हो गया ये धरना प्रदर्शन है और उनके आरोपी लगाते हैं FIR दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कितने महीनों तक वो जो पुलिस जो दिल्ली पुलिस उन पर भरोसा जता सकते हैं या केंद्र सरकार पर भरोसा सकते, क्योंकि ये मामला आप भी समझ सकती है यौन शोषण का है और इस पर जो पहलवान है कहीं ना कहीं वो लगातार इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज वो इंडिया गेट पर जो कैंडल मार्च शांतिपूर्वक एक निकालने जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर बजरंग पुनिया ने कहा है कि हम आम जनता को अपील कर रहे हैं कि इस कैंडल मार्च में शामिल हो और हमारा सहयोग करें। आपको बता दें मुस्कान कि हमने कल आम जनता से भी इस टॉपिक पे बात किया, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पहलवान हैं जो हमें कुछ दिन पहले ओलंपिक में गौरवान्वित किए, गोल्ड मेडल है और आज वो बैठ कर रो रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसका नहीं सुन रहा। आखिर क्या मसला है, क्या बात है कि वो ब्रिजभूषण सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो सकता है कि अपना ही छवि जो है पहलवान खराब करे? तो इस पे जो केंद्र सरकार है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे। देखिए सुहानी, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि इस मामले पर फैसला जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन ये भी समझने वाली बात होगी कि लगातार ब्रिजभूषण चरण सिंह 2011 से लेकर और 2022 या 23 तक वो लगातार अध्यक्ष रहे हैं, तो अगर उन पर हालिया में ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भी जांच का विषय है। 10 साल तक वो लगातार अध्यक्ष पद पर रहे और उस बीच में ऐसी कोई भी शिकायतें नहीं सामने आई है सुहानी। जी मुस्कान, आपको बता दें कि शिकायतें सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आखिर क्यों मुद्दा उठाएंगे, क्यों मुद्दा बनाएंगे, आखिर उनका इस पर क्या लाभ मिल सकता है? उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें राजनीतिक से कोई मुद्दा नहीं है, हम राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन जो हमें इंसाफ है, जो वो नाबालिग लड़की उसमें कहा जा रहा है, जो 7 महिला पहलवान है वो अपना साफ बयान दें, यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस है उसने भी अपना ये बयान दर्ज, जो महिलाओं का जो बयान है उससे भी वो दर्ज कराया है, तमाम यहाँ तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। वही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बावजूद जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज करे उसके वो भी केस दर्ज हो गया है, लेकिन इसके बाद भी ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो साफ तौर पर पहलवानों का कहना है कि हम क्यों आरोप लगाएंगे, आखिर हम अपनी छवि क्यों खराब करेंगे? आप मानते हैं कि वो सांसद रहे ब्रिजभूषण सिंह और इतने दिनों से वो वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन जो कुछ ऐसा माना जा रहा है, यहाँ तक कि जो जनता उनका भी यही कहना है कि अगर ये काम किए हैं तभी पहलवान इस पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि अगर वो सही हैं तो इस पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और उनको निर्दोष घोषित करे या जो पहलवान के पक्ष में उसे आरोप दे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर जो फैसला आए। आपको बता दें मुस्कान कि कहीं ना कहीं जो है पहलवानों के जो उनका करियर है उस पर भी दाव लगा है, क्योंकि पहलवान भी चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इस पर फैसला आए और हमें न्याय मिले। तो ये देखा जा रहा है कि जो पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन से जो पहलवान है वो भी कहीं ना
कहीं निराश है, तो वहीं पहलवान का कहना है कि हम ये जो मामला विदेश तक ले जाएंगे, गांव तक ले जाएंगे और हम इस पे न्याय चाहेंगे। अभी आपको बता दें कि फिलहाल अभी 28। अच्छा सुहानी, जो पहलवान है, प्रदर्शनकारी पहलवान है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, देश को कई मेडल दिलाए हैं और जब उनको मेडल मिलता था तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होकर रोता था, बखूबी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब यहाँ पहलवानों को ये भी समझना चाहिए कि उनकी आड़ में कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो कई पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, उनको ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा। आपको बता दें कि आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी नेता है, उनकी बहन प्रियंका, वही आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनका समर्थन किया। वही आप बता दें खाप के जो खाप पंचायत के जो नेता है, वही महिला अब खाप के जो इसमें शामिल होने जा रही है, जो 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन होने वाला है उसमें जाके वो प्रदर्शन करेंगी संसद भवन के आगे। तो ऐसी तमाम जो खबरें आ रही हैं और कुछ जो ऐसे नेता जो है वो जाके उनके समर्थन दे रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वही आपको बता ब्रिजभूषण सिंह ने खास तौर पर कहा था कि कांग्रेस पूरा इस मुद्दे को बना रही है, राजनीतिक मुद्दे बना रही है और उनका समर्थन लेके वो जनता के बीच आना चाह रही है और लोगों के सामने अपने आप को दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो अपना इस पर रोटी सेक तो रहे, लेकिन जो इसमें पहलवान है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। और ब्रिजभूषण सिंह के साफ तौर पर आरोप करिए और उनका जो भी उनका गुनाह है उसे कबूल करें और उस पर जाके वही आपको बता दें। बिल्कुल 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 सुहानी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जो पूरे जो पहलवान जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अब पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ नजर आया है, क्योंकि ये वही पदकवीर है जिन्होंने पूरे विश्व के सामने भारत का मान बढ़ाया है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक ओर सियासतदानों की राजनीति चर्चा में बनी हुई है तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले पर आज एक बड़ा और अहम फैसला आया है। जी हां, ज्ञानवापी मामले पर अब एक साथ सभी मामलों की सुनवाई होगी। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, तो वहीं इसी बीच मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को कोर्ट ने एक साथ क्लब करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मामले एक साथ और एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की 4 महिला वादियों ने अदालत में अपील दाखिल की थी कि विवाद से जुड़े 7 ऐसे केस हैं जो एक ही प्रकृति के हैं लेकिन कई अदालतों में चल रहे हैं, ऐसे में इन 7ों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश अब दिया गया है। तो ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि जो सभी मामले हैं उन सभी को एक साथ क्लब किया जाए, क्योंकि ये सभी मामले एक ही प्रकृति के और इन सबकी सुनवाई भी एक साथ होनी है। और 4 महिला वादियों ने कोर्ट में इसके लिए अपील की थी जिस पर आज सुनवाई हुई और इसे स्वीकार भी किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया गया है कि जो 7ों केस थे जो अलग अलग अदालतों में चल रहे थे लेकिन इन केसों की प्रवृत्ति एक थी, अब उसको एक ही साथ क्लब करके उनकी एक ही साथ सुनवाई हो, और आज और इस मामले पर क्या कुछ दलीलें हिंदू पक्ष ने दी हैं? देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी, 7 याचिकाएं दायर की गई थी और 7ों याचिकाओं की अलग अलग डेट में अलग अलग दिन इसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को इस मामले की सुनवाई हुई उसमें कहा गया कि 7ों जो मामले हैं वो एक ही मामले हैं और इन्हीं मामलों को लेकर के एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील थे उनके द्वारा लगातार इस मामले में जो दलील दी जा रही थी, सभी मामले जो हैं वो लगातार जो 7 मामले हैं उन सभी को एक ही साथ सुना जाए, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला भी आए। इसी मामले को लेकर के जिस तरीके से निर्देश दिए गए, तो इस मामले में अब जो 7 जुलाई को, यानी कि जो 7 जुलाई है वो 7 जुलाई के दिन इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और एक अहम फैसला भी होगा। बिल्कुल कलीम, आज जिस तरीके से दोनों ही पक्ष लगातार अपना, बिल्कुल आज जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखते हुए आए और ये भी कहा गया कि अब जो सभी 7 मामले हैं उन्हें एक साथ क्लब किया जाए, तो उस पूरे मामले पर क्या मुस्लिम पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जताई गई है या फिर वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है मुस्कान जी, क्योंकि इस जिस तरीके से ज्ञानवापी मामला है तो इस मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा था, तो इस जैसे कि कहा गया कि 7 मामले एक साथ 7 जुलाई को सुने जाएंगे, तो इस मामले को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनके द्वारा कहा गया है कि सभी मामलों को अलग अलग सुना जाए और इस मामले में
जो सुनवाई है वो अलग अलग तरीके से हो, क्योंकि सभी मामले अलग हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले मामले में बात की जाए, जब पिछले मामले में सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान कहा गया था कि ज्ञानवापी के अंदर जिस तरीके से कथित शिवलिंग मामले की थी उसकी जांच करने की जो बात की गई थी, परिसर के और जगहों की जांच करने की बात कही गई थी, तो इस पर भी मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन इन आपत्तियों को दरकिनार किया गया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इस मामले में ये मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर भी अपना रास्ता करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब जो एक फैसला आया है उसमें कहा गया है कि 7 जुलाई को जिस तरीके से सुनवाई होगी तो ये सुनवाई बड़ी अहम होगी, क्योंकि 7 मामले अभी तक अलग अलग सुने जा रहे थे। लेकिन बिल्कुल कलीम, जाहिर सी बात है कि जब 7 मामले अलग अलग सुने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये लोगों को भी बहुत कंफ्यूज करता था कि अब किस मामले पर सुनवाई हुई है, अब किस मामले पर फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्रक्रिया है ये काफी आसान हो जाएगी। तो आखिर इस मामले पर जो मुस्लिम पक्ष है उसे आपत्ति क्यों है? देखिए, आपत्ति उनके द्वारा कई चीज़ें कही गई, जैसे कि जो परिसर का जो सर्वे कराने की बात कही गई थी, फिर शिवलिंग की बात की गई थी, कथित शिवलिंग, और फिर जो नंद बात कई उसमें चीज़ें थी जिसको लेकर के लगातार आपत्तियां जाहिर की। लेकिन इस मामले को लेकर के जो एक बड़ी बात है कि जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनके द्वारा एक बड़ा दावा किया गया है कि कोर्ट उनके फेवर में है, और लगातार जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई चल रही है तो कहीं ना कहीं आदेश उनके पक्ष में भी आएगा, इसको लेकर के जो है दावा किया गया है। और इसके साथ ही कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा एक अपील की जा रही थी कि सभी 7 मामलों को एक साथ सुना जाए, जिस पर कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया और 7 मामलों को एक साथ करने का निर्देश भी दिया है, तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद से हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि उनके उनका जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जो आपत्तियों की बात की जाए, जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है वो लगातार आपत्ति होती जा रही है, फिर चाहे एक साथ केस की हो या फिर सर्वे की बात हो या फिर कथित रूप से शिवलिंग की बात हो, क्योंकि इन सभी मामलों को लेकर के जो आपत्ति थी उन आपत्तियों को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहा है। लेकिन जो 7 जुलाई की बात है, वो 7 जुलाई का जो अहम फैसला होगा, उस फैसले के बाद जो रुख सुप्रीम कोर्ट का होगा वो भी एक अहम होगा, क्योंकि जो आपत्ति है वो लगातार केस लगातार बढ़ भी रहा है और हर केस में एक अलग ही नया मोड़ आता जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कलीम, आपने सही कहा कि लगातार हर एक सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं अलग एक मोड़ और एक अलग अलग रुख कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वाकई में इस मुद्दे को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है या फिर इस फैसले को मान लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानवापी मामले पर जो है एक तरफ एक साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है, तो वहीं इस मामले पर तमाम नेताओं की भी अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है, तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसने एक बार फिर से इस फैसले पर आपत्ति जताई और कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।